शहादत दिवस निश्चित रूप से सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राज्य सहित देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति जो आज से 7 साल पूर्व झीरम घाटी में संभाग मुख्यालय जगदलपुर के झीरम घाट में जो नक्सलियों के द्वारा खूनी नरसंहार किया गया था, जिसमें हमारे तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी, वीसी शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, योगेंद्र शर्मा जी, दिनेश पटेल जी सहित कांग्रेस जन और सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई थी। आज का दिन जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से शत शत नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि, भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही हम देश के प्रधानमंत्री से यह मांग भी करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह खूनी नरसंहार हुआ था, उसकी जांच के लिए लगातार कांग्रेस मांग करती रही और उन्होंने कोई तत्परता नहीं दिखाई। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने इसके जांच के निर्देश दिए गए हैं। आज सरकार बने लगभग 1.25 साल होने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही है। हमारा निवेदन है कि जनता के बीच में छत्तीसगढ़ और देश की जनता निष्पक्षता के साथ जो वास्तविक तथ्य हैं वो जनता के सामने आए, ये चाहती है। दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दंड मिले और शहीदों के शहादत को और उनके परिजन को न्याय मिले। इसी उम्मीद के साथ आज हमने 7वीं बरसी कांग्रेस भवन में, झीरम घाट में और उसके पश्चात यहाँ महेंद्र कर्मा जी की मूर्ति में उन्हें आज श्रद्धांजलि हमने समर्पित की है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि कांग्रेस जन की ओर से तभी होगी जब जनता के बीच में वास्तविकता आएगी।